कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में अभिभावक फीस के मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभिभावक फीस में छूट देने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिलने की वजह से अभिभावकों ने शुक्रवार को शिक्षा संकुल का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक शिक्षा संकुल के सामने एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं अभिभावकों से जिला शिक्षा अधिकारी रामचंद्र पिलानिया वार्ता करने पहुंचे। इस दौरान अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस अधिकारियों पर स्याही फेंक दी। ऐसे में मामला बिगड़ते देख पुलिस ने करीब आधा दर्जन अभिभावकों को हिरासत में लिया, तो वहीं कुछ को लाठियां भांजकर मौके से दूर भी किया गया। मांगों का ये प्रोटेस्ट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई 2021 को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसके पालन सुनिश्चित करवाने की मांग को लेकर है। जो सुप्रीम कोर्ट ने पी चेक 2016 लागू किया था उसकी मांग को लेकर है। पिछले आज तीन महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट को आदेश का आए हुए, किंतु अभी तक न राज्य सरकार ने छोड़ ध्यान दिया, न प्रशासन ने छोड़ ध्यान दिया। शिक्षा मंत्री को शिक्षा अधिकारी जी को, शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को लगातार शिकायतें नोट करवाई गई, कंप्लेंटें बताई गई, अभिभावकों को पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हीं मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा ये तो हर घर की लड़ाई है, हर घर में बच्चा है। 2 साल से गवर्नमेंट सो रही है, उस गवर्नमेंट से ये पूछो क्या तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है। ये हम इतना सड़कों पे उतर गए, हम क्या 5,000 पेरेंट्स सड़कों पे उतरेंगे उसके बाद इनकी नींद खुलेगी। फीस एक्ट के इन्होंने कह दिया फीस एक्ट लागू करो, स्कूल फीस एक्ट लागू कर रहा है। स्कूल तो हमसे ये कहता है जब हम बात करें 25% फीस और बढ़ाएंगे। कहां से बढ़ाओगे आप 25% फीस? एक बार बताइए कोरोना काल में कितने हमारे पेरेंट्स हैं जिनका व्यवसाय चला गया, जिनके पास जॉब नहीं है, वो कहां से फीस देंगे?